एजुकेशन इन नाइन अल्फाबेट्स, ई फॉर एटिकेट, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सी फॉर क्रिएटिविटी, ए फॉर अवेयरनेस, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, आई फॉर इंट्रोवर्टनेस और इंटीग्रिटी, ओ फॉर ऑप्टिमिस्ट एंड एन फॉर नोबिलिटी। उसमें इतनी स्किल्स हो कि जो वो कहना चाहता है वो कह पाए। हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट प्रिंसिपल्स, आई एम योर होस्ट सीमा छोरिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर एनरिचिंग सेशन ऑन ग्रेट प्रिंसिपल्स। स्कूल एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन लुक्ड अपॉन एज एकेडमिक्स, बट इट्स नो लॉन्गर एकेडमिक्स। इट्स ऑल्सो अबाउट इमोशनल सोशल स्किल्स डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। पेरेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट दीज डेज, दे लुक फॉर द बेस्ट स्कूल सो दैट दे कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन टू हैव ऑल द स्किल्स नेसेसरी फॉर लाइफ। टुडे वी हैव विद अस अ वेरी आर्डेंट एजुकेटर ऑफ द डे, Mrs. Daya Rani Gupta. She is chairperson and founder of EG High School and Gyanoday Public School. She is also international award in education and she is also a social worker. So today we have Mrs. Daya Rani and हम इनके साथ में आज हम ये चर्चा करेंगे कि नई शिक्षा नए युग के बच्चों के लिए 21st century के बच्चों के लिए शिक्षा के तरीके से होनी चाहिए, शिक्षा में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, वो किस ओर अग्रसर होने चाहिए। तो हम अभी कोई और डिले नहीं करेंगे और हम शो पे बुलाना चाहेंगे मिसेस दया रानी गुप्ता को। वेलकम टू ग्रेट प्रिंसिपल्स मैम, वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू विद अस। थैंक यू मैम, वेलकम, नमस्कार। मैम पंखों को खोल दो, पंखों को खोल दो, जमाना उड़ान देखता है, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ आसमान देखता है। माय नेम इज मिसेस दया गुप्ता। आई डिड माय एजुकेशन एट कैथल। माय क्वालिफिकेशन इज डबल एमए इन इंग्लिश एंड हिंदी। आई हैव डन मास्टर इन एजुकेशन। मैम आई गॉट मेनी अवार्ड्स एंड एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कैथल एडमिनिस्ट्रेशन। I got appreciation certificate from Red Cross Society in COVID. I got certificate in teachers workshops. I associate with some social organization. I joined some spiritual and religious missions. I am fond of meditation. So this is for me, which I explained myself. Now okay. We talk about the education. Nowadays, what the concept of education will be done? So, ma'am, I have taken education in 9 alphabets: E for etiquette, D for discipline, U for universal brotherhood, C for creativity, A for awareness, T for transformation, I for introvertness or integrity, O for optimist and N for nobility. So ma'am, I covered 9 letters in education. First, we should learn when the child enter in the school. He has totally new for us. He is a newborn baby for us. 3 साल का बच्चा जब हमारे पास आता है तो हमने उसे कैसे टैकल करना है, क्योंकि ना तो उसको डिसिप्लिन के बारे में मालूम, ना उसको किसी एजुकेशन के बारे में मालूम, ना उसको ब्रदरहुड के बारे में मालूम। ही इज वेरी डिजर्व चाइल्ड। तो कैसे हमने उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है, ये सारी एजुकेशन की जो बातें हैं हम उसके अंदर 9-10 साल में भर देते हैं और वो इतना इंडिपेंडेंट मैन बन जाता है कि वो फिर संसार के अंदर जब जाता है, सोसाइटी में जाता है, तो वो इंडिपेंडेंट हो सके, अपने आप को वो एक्सपोज कर सके सोसाइटी के सामने। एंड ही हैज अ फुल कॉन्फिडेंस। उसमें इतनी स्किल्स हो कि जो वो कहना चाहता है वो कह पाए। अगर मैं इन लेटर्स को एक्सप्लेन करूं कि सबसे पहले हम उसको ये सिखाती हैं कि आपको मैम को बात कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो बच्चे हैं मैम
वो विलेजेस से आते हैं, गांवों से बच्चे आते हैं, दे बिलोंग टू विलेजेस एंड दे डोंट नो हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू सिट, हाउ टू बिहेव, सो मेनी थिंग्स ही डजंट नो, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक. तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी हैव टू टोट मैनी 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 थिंग्स टू हिम और हर. तो मैम, फर्स्ट ईयर में हम बच्चों को डाइनिंग टेबल पे हाउ टू ईट हम सिखाते हैं, छोटी टेबल पे बिठा करके बच्चों को, फिर उनको सब चीजें हम सर्व करते हैं, फिर हम उनको टॉयलेट में जाने के मैनर सिखाते हैं, हैंड वॉश करने के ऑल थिंग्स हम उनको दे देते हैं. तो बच्चा आफ्टर 6 मंथ इतना इंडिपेंडेंट बन जाता है कि वो जो बातें हमने सिखाई थी वो करना शुरू कर देता है. इसके बाद फिर बच्चा धीरे धीरे हम उसको पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं कि हाउ टू राइट जिक जैक और ड्राइंग और ऑल दीज थिंग्स हम ड्राइंग से उसको शुरू करते हैं, ताकि उसकी जो टिप्स हैं मैम वो स्ट्रॉन्ग हो सके. टिप्स से वो जैसा मर्जी लिखे, नो कंपल्शन. वी ट्राई टू टीच हिम द टिप्स शुड बी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल. तो अपनी टिप्स जब उसकी स्ट्रांग होंगी तो वो ड्राइंग करेगा, फिर ड्राइंग के बाद वो कुछ कुछ फिगर भी बनाना शुरू करेगा. उसके बाद हम उसको नोटबुक पर लेके आएंगे और उसको उसकी प्रैक्टिस कराएंगे. करते 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 उसके साथ हमें 10 ईयर्स का टाइम बीत जाता है. वो हमारे पास बच्चा 10 साल तक रहता है और 10 साल के बाद वो एक बहुत अच्छा बच्चा बनकर, स्टूडेंट बनकर स्कूल से निकलता है. हम उसको सिंसियर सिखाते हैं, ऑनेस्टी सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, यूनिवर्सल हुड सिखाते हैं, क्रिएटिविटी सिखाते हैं, अवेयरनेस सिखाते हैं, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पे आपको वासुदेव कुटुंबकम की भावना कैसी होनी चाहिए, भाईचारे की भावना, ब्रदर सिस्टर की फीलिंग, दीज मॉरल वैल्यूज वी टीच टू, जो किताबों में नहीं लिखी होती वो प्रैक्टिकल में हम उनको सिखाते हैं. वो उसकी बारी तो बाद में आती है, टेक्स्ट की बारी तो बाद में आती है, सबसे पहले हम उनको प्रैक्टिकल टीचिंग सिखाते हैं. उसके बाद मैम, जो मैं सेकंड फार्मूला लेती हूँ वो मैं आजकल जैसे स्मार्ट टीवी चले हुए हैं तो स्मार्ट क्लास के अंदर हम उनको एंटर कराते हैं, फिर टीवी से उनको हम पढ़ाते हैं. तो टीवी से जब वो विजुअल करता है, जब क्लास में जाकर, तो जैसे हमने ए फॉर एप्पल ही सिखाना है, जब वो ए फॉर एप्पल टीवी पर देखता है और उसके साथ हम उसको ओरिजिनल एप्पल भी दिखाते हैं कि रियलिटी में दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना, दिस इज मैंगो, और वो हम उनको खिलाते भी हैं. मैं तो उनको खिलाती भी हूँ एक दिन का, कभी कोई ग्रेप्स है, कभी किसी फ्रूट की बारी है, कभी किसी फ्रूट की बारी है. तो वो फ्रूट जब वो देखता भी है खाता भी है तो उसकी लर्निंग जो है वो बड़ी फास्ट हो जाती है. दिस इज माई कॉन्सेप्ट टू एजुकेट द चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सो मैम, आपने मतलब बहुत ही खूबसूरती से सबसे पहले अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और फिर आपने बताया कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है. आपने एजुकेशन के ही 9 लेटर्स के साथ में जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो सब कुछ कवर कर लेता है कि एजुकेशन, आप सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बच्चे को लिखना पढ़ना सिखा रहे हो, आप साथ ही साथ उसे एक सिटीज़न बनाना सिखा रहे हो, एक ग्लोबल सिटीज़न जो जीवन के लिए तैयार हो. आपने शुरुआत की यस मैम, फाउंडेशनल ईयर से, जो कि अब बहुत क्रूशियल है कि 3 साल के बच्चे को ही हमें कितने ध्यान से एक ही चीज़ सिखानी चाहिए. और आपके हर एक प्रैक्टिस में ये दिख रहा था कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है आज, कि हमें स्कूल से कितना एक्सपेक्टेशंस है और स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी सारी है. तो मैम, मैं आपके सारे प्रैक्टिसेस में साथ ही साथ में ये भी जानना चाहूँगी कि इतना सब कुछ जब स्कूल पे इम्पार्ट हमें चाहिए, कि स्कूल हमें इम्पार्ट करे हमारे बच्चों को, तो हमें टीचर ट्रेनिंग पे कितना ध्यान देना चाहिए. मैं टीचर्स ट्रेनिंग इज मस्ट, क्वालिफिकेशन इज नॉट नॉट मस्ट. एमए कर लेना, आईटी पास कर लेना, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस ले लेना, बीएड एमएड कर लेना, एमफिल कर लेना, पीएचडी कर लेना, नथिंग. बट प्रैक्टिकली व्हेन द टीचर इज नॉट ट्रेन्ड द ऑल क्वालिफिकेशन इज टोटली डेड. तो सबसे पहले जो टीचर्स मेरे पास आते हैं, मैं इनका मैम इंटरव्यू लेती हूँ, रिटन टेस्ट एंड ओरल टेस्ट. हाउ टू हाउ दे टॉक टू मी
and how they will talk to the students, how they are loveful. What I used to say, when you brought up your children at home, they are your real children. They are our real children. By Mata Yashoda ne kya kiya tha? Agar Shri Krishna ko janam nahi diya, lekin wo unki sabse pyari maa thi Yashoda. So we are the Yashodas, like Yashodas. Agar humne inko janam nahi diya, so what? लेकिन इनका पालन पोषण तो करने की हमारी जिम्मेवारी है. मैं यू डोंट बिलीव, मैं अपने हाथ से बच्चों को जब खाना खिलाती हूँ, उनका लंच पैक खोल करके, आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंटेड. मुझे कितनी खुशी होती है जब मैं उनको सुसु कराती हूँ, जब मैं उनके साथ खेलती हूँ, जब मैं उनकी पॉटी साफ करती हूँ, मैं आई फील वेरी वेरी ग्रेटनेस, वेरी वेरी हैप्पी. तो मुझे कुछ शर्म नहीं आती, मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं कि ये काम मैं क्यों करूं. जब मैं when I am ready to do everything, so I train my teacher first of all. When they enter in the school, I train them. आप खुद ही एक रोल मॉडल की तरह एक एग्जाम्पल सेट करती हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है. और yes, ma'am. बच्चों के लिए यू आर यू नो Here you are like a motherly figure and उनको वो warmth, वो love यहाँ पे मिलना चाहिए, तभी उनका learning अच्छी तरीके से होता है और तभी actually आप बच्चों के साथ connect करते हो. और जब आप connect करते हो तभी आपको ये समझ में आता है कि उनको सिखाना क्या है, right? आजकल वो नहीं है कि हम एक syllabus follow करें और बस वही सिखाएं. आजकल ये जानना जरूरी है कि बच्चे को हम सिखाएं क्या, उसे क्या नहीं आता है, उसके ऊपर हमारा focus ज़्यादा होना चाहिए और वो किस तरीके से सीखना चाहता है. हर बच्चा आजकल अलग तरीके से, जैसे आपने बताया आप स्मार्ट क्लास यूज करते हैं तो कोई विजुअल लर्निंग से सीखता है, आपने बताया आप फ्रूट्स देते हैं तो कोई उसको फील करके एक्सपीरियंशियल तरीके से सीखता है, तो कोई खेल खेल में सीखता है, तो हर के तरीके अलग है. तो टीचर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आप होती है. सो मैम आगे आपसे और जानना चाहेंगे कि अभी ये तो हमारे फाउंडेशनल ईयर्स के बारे में बात हुई, हम जैसे जैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं अपने आगे की क्लासेस में, फॉर्मेटिव इयर्स में फाउंडेशनल से, तब हमारा क्या, आप किसको, आप क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हो? मैं सबसे पहले तो जो उनका सिलेबस होता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, कई वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं और कई स्टूडेंट्स जो बहुत जल्दी मैम की बात को पिकअप कर लेते हैं. तो मेरा जो फोकस है वो वीक स्टूडेंट्स पे ज्यादा रहता है, मैं उनको ज्यादा बकअप करती हूँ. क्योंकि ऐसा नहीं है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कोई स्लो लर्नर होता है और कई बार हमारे पास मेंटल रिटार्डेड बच्चे भी आ जाते हैं, बहुत स्लो लर्नर होते हैं. तो बड़ी अफेक्शनेटली मैं उनको ट्रीट करती हूँ. जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ सका उसको मैं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच हिम और हर. जिसको जिसको सब रिजेक्ट कर देते हैं, आई सिलेक्ट देम. और वो बच्चे क्लास में जब टीचर जब मैं व्हेन आई सिट इन द क्लास रूम behind the back bench and the teacher is teaching on the blackboard or teaching the text and I was looking them ki how they teach. aur jab unko explain wo acche se apne topic ko clear nahi kar pate hain, so I call them in the office and we discuss, you teach like this type, there is some problem before the teachers. Some teachers are not trained, but we sit in the office and solve the problems. Because we are the solver of the problems, not the creator of the problems. Yes, ma'am. Right, ma'am. Right. So, actually, ma'am, आपने एक काफी important बात कही है कि education में heart और head दोनों का involvement जरूरी है, teacher के end से भी और साथ ही साथ बच्चों का भी. जब बच्चों का heart और head दोनों involved तभी वो आए और जीवन में अगर वो ये सीख गया कि सीखते कैसे हैं तो उसने सब कुछ जीत लिया है. बिकॉज हमारा एजुकेशन क्या है, टीचेस अस टू लर्न हाउ टू लर्न. इट इज हमारी जो लाइफ है, हमें हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आप स्कूल से पास हो गए और आपकी लाइफ हो गई. आप जब तक आप आज भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ सीख रहे हो. तो इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों को ये आदत लगना कि आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर कैसे बनो. तो आपके इसमें मैंने ये चीज बहुत ज्यादा पाई है कि आपका वो एम्फेसिस बहुत है, आप उनसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं और साथ ही साथ आप उनको पढ़ने की एक अलग प्रेरणा देते हैं. सो मैम, यस मैम, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड. तो मैम हम उसमें आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन आपको उनके जवाब या तो एक वन वर्ड में देने हैं या फिर एक सेंटेंस में, ठीक है?
तो हमारा पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। मैम, जितना मुझे समझ रहा है, आप एक बहुत ही पैशनेट एडुकेटर हैं, लेकिन अगर आप टीचिंग फील्ड में नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? मैडम, आई विल बी बिकम अ सोशल वर्कर। सोशल वर्कर। ओके, ठीक है। मैम, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मैं डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, स्टिचिंग, कुकिंग, ऑलराउंडर। वाह, ओके। आप मैम, आई मीन आई शुड नॉट से लाइक दिस, बट यू लुक लाइक 60+ टू मी। एंड हमारे पास जब आपका प्रोफाइल आया था, बट आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। तो आपका सीक्रेट क्या है? वो आपका हेल्दी हेल्थ का कोई रूटीन है? आप कुछ योगा या कुछ प्रैक्टिस करते हैं? आपका एक्सरसाइज रूटीन कुछ है? मैं थोड़ा योगा करती हूँ, बट मैं आई ईट लेस, यू आई ईट ईट लेस? लेस, वर्क वर्क मोर। ओके। सो आप मतलब उतना ध्यान रखते हैं कि आप आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न करते हैं उनको इनिक करने से ज़्यादा। सो ये मैम का सीक्रेट है इतना एक्टिव रहने का इस टाइम पे भी। सो मूविंग हेड टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, हमारे पेरेंट्स को अगर आपको एक एडवाइस देनी है तो आप क्या देना चाहेंगे? मैम, आई सी दिस इज योर मेन प्रॉपर्टी एंड यू फोकस ऑन योर चिल्ड्रन। दिस इज द मेन वेरी मच। प्रॉपर्टी ऑफ द चिल्ड्रन, पेरेंट्स। ये आपकी पूंजी है, इनफैक्ट मैं ये कहूंगी प्रॉपर्टी, मतलब एक सबसे अहम पूंजी है आपके जीवन की, और इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सो अब हमारा अगला सवाल मैम आपसे ये है, आप फ्री टाइम में अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? कोई बुक्स पढ़ता है, कोई मूवीज देखता है, आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? मैंने एक शॉप खोला है। आई ओपन अ शॉप फॉर द ओके। लेडीज, लेडीज ऑर्नामेंट्स, बैंगल्स, ज्वेलरी, ओके। मेकअप प्रोडक्ट्स। आई सिट ऑन द शॉप फॉर 2 आवर्स, 4 to 6। आई स्पेंड माई वाओ, टाइम ऑन द शॉप, एंड ऑन द शॉप द चिल्ड्रन कम फॉर शॉपिंग। आई बिहेव विद देम वेरी पोलाइटली, वेरी हैप्पली, एंड दे आर वेरी लविंग टू मी। दे बाय गिफ्ट एंड आई सेल द गिफ्ट फॉर द प्रॉपर रेट। वाओ, तो दिस इज आप माई एड्यूप्रेनर के साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी हैं आप। और आई थिंक हमें ये आपसे एक प्रेरणा मिलती है मैम आपकी लाइफ से, आपसे, आपकी, जब मैं इतनी देर से बातें आपसे बातें कर रही हूँ, कि लाइफ में हम कहाँ भी किसी भी एज पे हो, एज सिर्फ एक नंबर है। अगर आप काम करते रहते हो, आपका माइंड अगर ऑक्यूपाइड रहता है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी रहती है। एंड यस इम्पॉर्टेंट है कि मैम, आप कुछ करते रहें। वेरी गुड मैम, आई यस। सल्यूट योर स्पिरिट, एब्सोल्युटली स्टनिंग। सो मूविंग अहेड टू माई लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड, बच्चों को मतलब पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे बच्चे हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो उनके टिफिन में किस तरीके का खाना उन्होंने देना चाहिए ताकि बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन मिले? मैं आई स्ट्रेस ऑन फ्रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बॉक्स में कटा हुआ फ्रूट्स होना चाहिए, दूसरे बॉक्स में एक परोठा विद वेजिटेबल। कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे मैगी पसंद करते हैं, मैगी भी ले आते हैं, राइस भी ले आते हैं, नूडल्स भी ले आते हैं, ब्रेड सैंडविच भी लाते हैं, डिफरेंट टाइप के लाते हैं। वीक में एक दिन मैं अपने हाथों से बनाकर बच्चों को भोजन देती हूँ। वाह वाह वाह, इनक्रेडिबल मैम। आई मीन ये मैंने पहली बार सुना है यार, कि किसी स्कूल में स्कूल के फाउंडर खुद एक बार अपने हाथों से भोजन पका के बच्चों को देते, तो ये कहीं नहीं सुनने को मिलता है। सो अब मतलब ठीक है, बहुत सारे हमारे शो पे लोग आते हैं और वो हमें बताते हैं कि हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे क्या खा रहे हैं, या न्यूट्रिशनल काउंट क्या होना चाहिए, या हम कुछ गाइडेंस दे देते हैं, ये मैंने कभी नहीं सुना। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट आज हमें चीज़ मालूम पड़ी है, कि अगर आप चाहें तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों को सही डायरेक्शन में ले जाने की। एंड दया मैम से ये सीखने को मिलता है। तो दया मैम, हमारे शो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, कुछ बहुत नए एंगल्स मिले हमें कि किस तरीके से हमें बच्चों से इमोशनली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपने हर आंसर को प्रेजेंट करते हैं, और इतना स्माइलिंग पर्सनालिटी है कि आपकी स्माइल जो है ना वो कंटेजियस है मैम। आपको देख के कोई भी ऐसा थैंक बहुत देर तक रूठा नहीं रह सकता। एंड आई एम श्योर कि आप बच्चों से इतने घिरे रहते हैं, तो ये उसका राज है। सो दया मैम,
Thank you so much once again. It was really, really wonderful talking to you. And I hope that your words resonate far and wide in the world of education. Thank you, ma'am. So nice of you. Thank you, ma'am. Namaskar. Thank you. Namaskar. So to all my dear viewers, stay tuned for more insightful sessions on great principles. Thank you so much. Do not forget to subscribe to the channel. Thank you.